Assalamu alaikum and welcome back with another day another vlog. It's me Sarmad and you're watching my YouTube channel Sarmad Vlog Official. तो आज आया हुआ था जी मैं 5 KMR मतलब 5 एक बरानी में, क्योंकि आज हमने ज़मीनों को पानी लगाना है जी, खाद देनी है ज़मीनों को और स्प्रे करवानी है. तो इसी मुतालिक आज का हमारा व्लॉग होने वाला है. तो जिस भाई ने आज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार कर लो सब्सक्राइब. तो करते हैं जी अपनी वीडियो का आगाज़. तो ये है भाई साहब ड्रम जिसमें हमने डाली थी खाद, और ये खाद का गट्टू है. और ये खाद को मिक्स कर दिया है पानी के अंदर, और ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है. ट्यूबवेल मेरे ख्याल में अब लाइट चली गई है जिसकी वजह से पानी कम हो गया, और ये हल्का हल्का दो दो तीन तीन कतरे जा रहे हैं जी पानी के अंदर. क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है जहाँ तक पानी पहुँचता है वहाँ तक खाद का असर पहुँचता है. खाद जहाँ तक जाएगी फसल उतनी अच्छी होगी. तकरीबन हमने यहाँ पे 5 एकड़ हमने गंदू चावल जो है चावल की काश्त की हुई है, और ये स्प्रे वाले हैं. और मौसम भी आपके सामने है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है आज. और ये है जी हमारा पक्का खाल, और क्योंकि इस तरफ जी हमारे शबाज़ भाई मतलब मुन्ना भाई की, ये मुन्ना भाई की ज़मीन है और ये हमारी ज़मीन होगी. और ये है जी पक्का खाल, ये हाल ही में बनवाया हमने, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, ये 6 महीने हो गए हैं कि ये खाल गवर्नमेंट ने हमें बना के दी है. तो थैंक यू करना चाहूँगा हम स्पेशली गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें ये खाल बना के दिया. और ये हो रही है जी स्प्रे हो रही है, और स्प्रे है जी ये वाली, ये लैम्डा, ये है जी स्प्रे. ये तकरीबन 8 बीघे मतलब 4 किलो, 4 किले के लिए लैम्डा स्प्रे हम कर रहे हैं. मतलब जो सुंडी वगैरह होती है और जो मतलब कीड़े मतलब पतंगे वगैरह होते हैं उससे बचाव के लिए हम कर रहे हैं जी अपने धान को. इकड़ अकड़ बहुत तकरीबन भाई ये 2 किले तो हो चुके हैं पूरे, ये किला और ये किला, इसमें स्प्रे हो चुकी है और इस किले को अभी पानी लगा हुआ है, और पानी लगा हुआ है और साथ में है थोड़ा थोड़ा सा मैंने ना खाद भी चला दी है. पूरे पानी में हल हुई है तो दो दो कतरे तकरीबन मैंने चला के आया हूँ, ताकि पानी थोड़ा है जिसकी वजह से एक एक दो दो कतरे जाते रहें. अगर जैसे ही ट्यूबवेल चलती है पानी तेज़ होता है तो उसके बाद हम उसको कर देंगे तेज़. तो अब हो रही है भाई साहब एक ये किला है, एक वो किला है, और एक बिक्का जो है वो उस जानिब है. तो अब इनको स्प्रे हो रही है, और वो सामने जी दरबार आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पे वो दरख्त लगे हुए हैं, कब्रिस्तान बना हुआ है, ये दरबार है जी जोड़. और एक दरबार है इन घरों के पीछे जिसका नाम है जुड़ावा. ये दो दरबार हैं जिनका नाम है जी जोड़ और जुड़ावा. तो ये आ रहे हैं जी अंकल इस्माइल, जो कि खाद की बोरी अपने कंधे पे उठा के आ रहे हैं जी. ये है जी हमारे हिस्से वाले जो कि हमारे ज़मीनों की देखभाल करते हैं. जजवेड़ सामने दरबार इन ये जोड़ जुड़ा हुआ है, ओ जोड़ जुड़ा हुआ है. अच्छा ये कितनी पुरानी है तकरीबन? अच्छा जी हैं जी अंकल इस्माइल जो कि मतलब हमारी ज़मीनों की देखभाल करते हैं. और तो हमें तो नहीं पता कि कितना खर्चा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको मतलब एस्टीमेट होता है कि कितना खर्चा हो गया है और क्या क्या चीज़ें किस टाइम करवानी चाहिए और फसल की देखभाल कैसे होती है, तो इनसे पूछते हैं. तो अंकल बताओ कितना खर्चा हो गया तकरीबन फसल से? खर्चा तकरीबन इस वक्त 2.5 लाख रुपये हो गया. 2.5 लाख रुपये हो गए. तो तकरीबन कितना ही औसत आनी है तकरीबन 1 किले की? 50 मन औसत आती है इंशाल्लाह. तो तकरीबन इस टाइम हमारा धान तकरीबन इस टाइम अच्छी कंडीशन में है तकरीबन, और अभी हमने पानी लगा रहे हैं अपनी ज़मीनों को, और खाद भी हमने उस ड्रम में डाल के अभी फिल की थी. तो पानी इतना ठंडा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दी हो. मैंने खुद ही अपने हाथों से फिल की है, तो मेरा हाथ तो भाई बिल्कुल ही ना जम गए थे. अभी कोई तकरीबन 1,00,000 से 1,35,000 खर्चा भी होगी. अच्छा वो किस पे होगा? वो कटाई और गहाई. गहाई क्या होता है?
कितने साल हो गए? मैं तो पता क्या है तुम्हें साढ़े मैं इतने तुम्हारी जमीन के लिए 30 साल हो गए। 30 साल 30 साल से अंकल मतलब हमारी जमीनों की देखभाल कर रहे हैं। अलहमदुल्ला भाई स्प्रे तो होनी पी है, लेकिन जिन्हें नहीं पता जो पंचक बरानी ए पी आई मुल्तान की आखिरी हदूद शामिल ए पी आई, इस तू तकरीबन 1 किलोमीटर इस तरफ खानेवाल का एरिया शुरू हो जाता है। तो साढ़ा हल्का है 157 ए पी आई, जिस इलेक्शन भी होंगे पैन, तो ये आखिरी हदूद है पी हल्का इन 157 की। चाचू को पुछते हैं वोट किनू पे हो, चाचू समील वोट किनू पे हो? इमरान खान। वाह भाई वाह, क्या वजह? क्योंकि उस जी आए थे ना महंगाई की थी। सिर्फ महंगाई की वजह? तू महंगाई है सदा होना सका, रोटी तंग है, घी 500 रुपया किलो है, क्या ला दे दे इमरान खान ये 200 रुपये किलो है। अच्छा अच्छा, सिर्फ महंगाई की वजह तो इमरान खान सपोर्ट करने की सपोर्ट करने पे महंगाई है तो बड़ी खादी 12,000 बोरी खाद दी है उस 4,000 है जो इमरान खान है। लौट के खा गए इस तो पहले किन वोट देने रहे? पहले से देने थे पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी नो। अच्छा, इस बारे क्यों नहीं देने पे उन्होंने? क्यों जो पार्टी है नहीं मुखाले वो रली ना पते जो नुकसान है ना था कोई मुल्क का नुकसान कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलो भैया देखो भाई ये इमरान खान कोई मुस्तकबिल अच्छा बनवाया आवाम का। तुम्हारे हल्के किस जमात की मतलब साइड जरा तगड़ी है? शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का बल्ला। वैसे बैनर तो ज्यादा मैंने इतने पीपल्स पार्टी की नजर आए। ये देहाती मोहाल गिलानी साहब है। शहर देहात मोहाल थोड़ा अपनी वाट है, देहाती मोहाल गिलानी नहीं बंदे चाहते क्योंकि उन्होंने खलूस अच्छा है। खलूस अच्छा है, काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने की पार्टी वंजने जे जानदा भी नहीं जानदा क्यों कोई जरा शॉर्ट फॉर्म लगी बने जरा सस्ती वाली चीज लगी होने और एरिया है 20 रुपए का 100 रुपए की कुछ नहीं साल नहीं लाते सब्जी ला ले। अच्छा अच्छा, और बाहर पे आ गए। अच्छा अच्छा, के भाई जन वोट किनु देने पे हो? तरीके इंसाफ नु। माशाल्लाह माशाल्लाह, तरीके इंसाफ दा के वजह? बल्ले नु क्यों वोट देना? अच्छा अच्छा, चौ कर सो गया तुहानू काम करें दे? 8-10 साल हो गए। ठीक हो गया, हाय हाय, पर वोट किनु देंदे पे हो? तो अलहमदुल्ला जी 9 वीके साढ़े फाइनल हो गए हैं स्प्रे वाले। ये हो गया तकरीबन ए पी आ 2.5 वीके का प्लाट, ए पी आ ये भी 2.5 वीके का प्लाट है, टोटल 5 वीके हो गए। तो यह 2 किले उस साइड दे रहे हैं पे जो कि हम ऐसा स्प्रे करवा के आ गए हैं। तो हम रह गई साढ़ा एको भी घर है जिन्हें भाई स्प्रे करेंगे पेन, तो मेरे वालिद साहब भी आते पेन। हो चुका है जी फाइनल, हो चुकी है जी 10 वीक स्प्रे फाइनल हो चुकी है। अभी जैसे ही लाइट आती है तो ट्यूबवेल चलेगी, तो फौरन ही स्प्रे करवाएंगे। हैं स्प्रे नाली तक इन चा के रख देना फुमारे का इन जिकी रखे ना नाली है ना चले फुगार उसके पवे धान से धान में सर दे कीड़ी खत्म करे ए बहन उसका ये भाई बजे ए नागु मुंह ए नीचा जीती बजे रहने ओ
नाली जब मुंह चाई जक के अंदर फुंगार गांव आई पई हवा सुती खड़ी है जी जी नाली जब मुंह में रखे नहीं है रखे जी जी तो है थम धान जब पवे पैसा धान को पवे जो फीरी मरे जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह तुसा सुनाओ तो भी असी ठीक है अल्लाह जी अच्छा हम वोट पीटीआई पीपल्स पार्टी दा शादी कर कालनी दा बाल बच्चे होवे छे अपने अच्छे से खिलाई छो जी जी चा बस खुश हो भाई अल्लाह वधा के सारे एक पोतलू जी जी पोतला से एक शादी की जी अल्लाह वधा के हमारा सब पोत चा बस खुश हो सो हाँ ठार बैठी को माई को रखा चाह धनिया तेरे पिछू अच्छा मेरे अबे नो हाँ अच्छा अच्छा माँ के भाई इनकी शादी करो चलो करे ने को जर से था ਹੁਣ ਬੁੱਢੜਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖੇ ਆਖੇ ਕਿ ਰਾਜ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆ ਬੁੱਢੜਾ ਥੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੋ ਬਾਬਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਆਜ ਗੱਤੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੱਤੀ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਆਂਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਾਲੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਯੱਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰ ਜੇ ਬੁੱਢੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਅੱਜਾ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ रले मिले न कुछ काले न कुछ चिट्टे काले आ गए ना जी जी तू तो तू तू दोबारा जवान होना भी तो अपनी शादी के बारे सोच काले आ गए ना दोबारा जी जी तो 100 साल तू टपदा भी है अच्छा अच्छा 100 साल तू बने टपते तो बस काले वाल हो लागो है अच्छा 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 आ ये समझ अच्छा 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 ये होना जे काले होए नहीं खड़े जी जी तू तू जवान थी तू अपने अपने शादी की सोच चलू काले जी जी क्यों तू सीखिया ना है जी जी वाचा बदाड़ी तेरी काली थी नहीं मेंदी हां ते उम्र को देखना भाई 100 साल नो आज करती बैठे हां थोड़े जी जी 100 साल नहीं कोई पिया पड़ जाए जी जी आज के खाते ने समय से जी जी कोई 50 साल दा कोई 40 साल दा कोई 30 साल दा है बंदे पे जी जी बफाद पाई बंदे जी जी 100 साल नो आज गति में गए थोड़ी आखिर बनर जैसे जी जी आखिरी मकान साडे आगा इससे तो दुनिया भी खेले भाई ये काम कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ जी ना जाई जी जी और जैस दे मगे जी जी ये कर रहा हूँ जे आखिरी मकान साडे आगा नसीब है मरला जमीन दे है ही या कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई नसीब आने को मिलता है बिल्कुल मैं तो कई कई परदेश मर जाए मरला जमीन दे सोना बकरा माशाल्लाह प्यारा बकरा जबरदस्त जबरदस्त लायक खसी ही होया जी जी बड़ा प्यारा बकरा है माशाल्लाह वाह जी वाह क्या पफ बनाया वो इसने तो है ओ बड़े और आते आ यार वाह जी वाह बा बन जंडो और कोई बात का आप सुनावा जरा मावे ना ना मो जमीन के बंदा मावे ना जमीन पैसे वार खावन की जे ना लगे जी जी सारा मुल्क ये मुल्क हो गया जी जी नहीं समझ जी अपने अच्छे डोरा लाई खड़े कच्ची लवे पक्की लवे जो कुछ लवे बिल्कुल वो ला सकते हैं बड़े लेवन मोटरसाइकिल तू तू और गिलानी नाल खड़े हो ओए एक मिनट ओए हुण तो आ गई है सोनू सब्सक्राइब कीता तू हैं सब्सक्राइब जरूर करें